राह संघर्ष की जो चलता है वही विश्व को बदलता है, जिसने जीती है जंग रातों से वही सूर्य बनकर निकलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप 2025 में बीकॉम की तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए अकाउंटेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में दिखने वाला है, क्योंकि यह डोमेन आपको लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल करता है बीकॉम के लिए। इलाहाबाद की बात कर लीजिए, BHU की बात कर लीजिए, दिल्ली की बात कर लीजिए। तो ये सब्जेक्ट के प्रति 2025 में आपकी रणनीति क्या होगी, सिलेबस क्या है, भाई तैयारी से पहले हमें सिलेबस जानना होगा। तो इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न, पेपर पैटर्न इस सब्जेक्ट का किस प्रकार से होता है, उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रैटेजीज क्या होगी। भाई 2025 की तैयारी अब हम शुरू करने वाले हैं, तो स्ट्रैटेजी किसको, आज के समय में किसी भी चीज़ को कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए रणनीति का होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो फिजिकल स्ट्रैटेजी हो, मेंटल स्ट्रैटेजी हो, कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी जिससे आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। और अकाउंटेंसी एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है आपके बीकॉम में एडमिशन पाने के लिए जो कि आपके लिए एक पर्वत समान है। बहुत कठिन बच्चे इसे समझते हैं क्योंकि इसके तीन किताबें हैं, 3 से 4 एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी अभी बात करेंगे उसके ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सिलेबस के बारे में और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। और जो लोग पहली बार मालवीय एकेडमी को देख रहे हैं तो फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए सर, हमारा अकाउंटेंसी अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि NTA जो है वो किस प्रकार से हमारे सामने अकाउंटेंसी को प्रस्तुत करता है। अकाउंटेंसी के आप एक डोमेन के रूप में देखते हैं, एक सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। आपको लगभग 25 से 30 डोमेन्स देखने को मिलेंगे, उसमें से एक डोमेन आपका अकाउंटेंसी है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उसमें से 40 क्वेश्चन करना पड़ेगा। एक सही क्वेश्चन पे आपको 5 मार्क्स मिलेगा और एक गलत क्वेश्चन पे आपको नेगेटिव मार्किंग -1 हो जाएगा। समय की बात कर ले तो समय जो है आपको इस सब्जेक्ट के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे, बिजनेस स्टडीज के लिए 45 मिनट्स हैं, इकोनॉमिक्स के लिए आई थिंक 60 मिनट्स के लिए भी है। तो इस प्रकार से आपको इस सब्जेक्ट के लिए जो है वो 60 मिनट्स मिलेंगे, एक घंटा मिलेगा, 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हम बात करेंगे हमारे, हमने आपके सहूलियत के लिए, आपके आसानी के लिए अपने इस PPT के स्लाइड्स को 4 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला यूनिट अकाउंटिंग फॉर NPO एंड पार्टनरशिप, दूसरा यूनिट अकाउंटिंग फॉर कंपनीज जैसे हम लोग कहते हैं अकाउंट शेयर कैपिटल जिसमें आता है आपका, तीसरा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ द कंपनी, कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया है उसकी एनालिसिस करना, उसको जांचना, उसको परखना कि कितने हद तक वो सही है। और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, ये कुछ रीजनल बोर्ड्स और कुछ बोर्ड्स में आपको ये पढ़ाया जाता है, इसीलिए NTA ने इसे भी शामिल किया है। आज के इस वीडियो में हम बात भी करेंगे कि भाई 22, 23 और 24 में किस प्रकार से, कितने किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, उसका भी मैंने एनालिसिस किया है आपके सामने। तो आइए पहले यूनिट से हम बात करते हैं। पहला यूनिट हमारा देखिए, पहले यूनिट में हमारे 5-6 चैप्टर्स हैं आपके, 6 चैप्टर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, अकाउंटिंग फॉर NPO, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसे हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कहते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसको देखते हैं हम लोग, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक एक करके चैप्टर वाइज इनके सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाजा बताता हूं कि जो आपने अपने 12th में इन चैप्टर्स को पढ़ा था हूबहू वही सिलेबस, एक दो टॉपिक हो सकता है NTA ने एक्सक्लूड या इंक्लूड किया हो एक्स्ट्रा, नहीं तो लगभग आपने जो क्लास 12th में इन चैप्टर्स को जो देखा है वही आप लोग पढ़ने भी वाले हैं। हम बात करेंगे अकाउंटिंग, आप सिलेबस देखने से पहले आप पहले ये देख लीजिए कि इन 6 चैप्टर से 2023 और 2024 में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 22 में भी पैटर्न मैंने यहाँ पर बहुत बड़ा PPT हो जाता, इसीलिए मैंने क्या किया है कि 22 के चीज़ों को भी लगभग इसी के बराबर था, 23 में ही जैसे क्वेश्चन आए हैं लगभग वैसे 22 में भी थे, इसीलिए 22 को मैंने इंक्लूड नहीं किया। खैर 22 का भी एनालिसिस जब मैं करवाऊंगा स्पेसिफिकली चैप्टर वाइज तो उसमें 22 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं NPO की अगर बात करेंगे तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट
बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हर बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए हैं। लेकिन 2024 में जो 17 मई को पेपर हुआ वहां पर एक लोचा हो गया, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है उसकी तादाद कम कर दी एनटीए ने। एनटीए समझ चुका था कि बच्चे जो हैं वो इसको इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। देखिए लगभग आप देखेंगे तो इस चैप्टर से आपको हर बार ऑन एवरेज 4 क्वेश्चन मिलते थे। 2024 में एनटीए ने इसकी रेशियो को कम कर दिया, 2 ही क्वेश्चन। लेकिन आज भी हम कहते हैं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीयूटी 2025 में हो सकता है कि इसके अधिक क्वेश्चन आपको देखने को मिले। जो 2 क्वेश्चन सर आए थे वो कैसे थे? ये 2 क्वेश्चन जो आए थे बाबू प्योर थ्योरिटिकल क्वेश्चन थे। एनपीओ से जो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे वो प्योर थ्योरिटिकल क्वेश्चन थे। एक सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था और एक एनपीओ के मीनिंग पर क्वेश्चन था आपके एग्जाम्पल पर। आगे बढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल, जिसमें आप सबसे पहली बार पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसमें अकाउंटिंग किस प्रकार से की जाती है। ये भी एनटीए की तरह, सॉरी एनपीओ की तरह एकदम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देख रहे हैं आप ऑन एवरेज 4 से 5 क्वेश्चन हर साल। 2023 में सिर्फ एक ही स्लॉट, 2 ही स्लॉट था जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, नहीं तो उसके अलावा लगभग सभी आप स्लॉट्स में देखेंगे 23 और 24 में, 24 में तो एक ही स्लॉट हुआ ऑफलाइन का, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब ये आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार लगा लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ये चैप्टर है। ये चैप्टर जो देखिए आप इस बार जो 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 23 24 का पैटर्न यही बना हुआ है। ऑन एवरेज 2 क्वेश्चन आपको देखने को तो मिलेंगे ही 25 में, ये तो 100% श्योर है। ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही चैप्टर से। हर बार यही पैटर्न एनटीए ने रखा है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मैं फिर से कहूंगा आपके लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा 8 क्वेश्चन। देखिए यहां पर है 7, 6, 5, 2, 1, 3, 2, 6 और 5, मतलब ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन जो है वो बनाए जा रहे हैं। 22, 23, 24 को मिलाएंगे तो ऑन एवरेज 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। अब मैं बता दूं कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बात करेंगे सिलेबस पर कहां कहां से ये क्वेश्चन बने थे। मैं एकदम एक्सट्रीमली जो करंट एग्जाम हुआ है उसकी बात मैं अगर करूंगा तो आपसे ये 5 क्वेश्चन, एक रेशियो का क्वेश्चन था नॉर्मल, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना था, एक गुडविल का क्वेश्चन था, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन था और 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन नॉर्मल थे आपके। तो ये 5 क्वेश्चन ऐसे थे। रिटायरमेंट एंड डेथ फिर से मैं कहूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप ऑन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वैसे ही रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। लेकिन हाँ आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे बाबू ना, इसमें ज्यादा करके डेथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि इस बार जो आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, एक रिटायरमेंट था एक डेथ था, लेकिन 2023 और 22 की मैं बात करूंगा तो डेथ का कंपोजिशन ज्यादा था, डेथ के क्वेश्चन। जैसे डेथ में आप लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते थे डिसीज्ड पार्टनर का, उसी तरह आपको डेथ के क्वेश्चन अधिक मिलेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैं फिर से कहूंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। यूनिट 1 जो है हमारा उसमें 3-4 चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनपीओ फंडामेंटल एडमिशन और डिसोल्यूशन। ये 4 चैप्टर आपको तो एकदम अच्छे तरीके से कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि हर बार देखिए आप एनटीए का देखेंगे हर बार ऑन एवरेज 4 क्वेश्चन, 22 23 24 मिलाएंगे एवरेज निकालेंगे तो 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इस बार 6 क्वेश्चन थे और ये 6 क्वेश्चन जो बाबू थे ना आपके, इसमें से 5 क्वेश्चन केस स्टडी वाले थे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के 5 क्वेश्चन केस स्टडी के थे, एक बड़ा केस स्टडी दे दिया था, उसमें आपको मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन बताना था, उसमें अगर कोई पार्टनर असेट लेके गया तो क्या एंट्री होगी, ये सारी चीजें पूछी हुई थी। अगर कोई रिजर्व पहले से बचा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, किस रेशियो में उसे हम पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे, ये 6 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन वैसे थे और एक क्वेश्चन नॉर्मली आपका था कि अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी का पेमेंट करता है तो उसका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ये आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का बात है। आइए हम सिलेबस को समझते हैं। एनपीओ में आप सभी लोग, एनपीओ क्या होता है, एनपीओ का मीनिंग, एनपीओ का एग्जाम्पल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कौन कौन से अकाउंट्स एनपीओ में प्रिपेयर किए जाते हैं, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और बैलेंस शीट प्रिपेयर किया जाता है। इसके साथ साथ एनपीओ में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बनता है वो बनता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग बनता है। इसके अलावा और क्या बनता है टॉपिक सर? इसके अलावा बनता है कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम आप लोग पढ़े होंगे कि कभी कभी कुछ आइटम्स एनपीओ जो है वो डेली पर्पस के तौर पे यूज करता है और उसकी वैल्यू समय के हिसाब से घटती है, वही कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करते हैं। ये सब कुछ टॉपिक जो है मोटा मोटा आपको एनपीओ में। इसके अलावा आइटम्स, सर आइटम्स मतलब, आइटम्स मतलब कौन कौन से पर्टिकुलर्स एनपीओ में आते हैं, लेगेसी क्या होता है, आपका सेल ऑफ ओल्ड असेट्स कहाँ रिकॉर्ड होगा, आपका ऑनरेडियम क्या होता है, आपका सेल ऑफ ग्रास सीड
नीड्स क्या है, लॉकर रेंट क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है, इस प्रकार से आपको कुछ चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल की बात करें तो इसमें से मुझे लगता है कि सारे टॉपिक जो आपने क्लास 12 से पढ़े थे, लगभग हर टॉपिक से 2022, 23, 24 पे क्वेश्चन बने हैं। चाहे वो आपके पार्टनरशिप के मीनिंग हो, पार्टनरशिप का फीचर्स हो, पार्टनरशिप डीड का मतलब मीनिंग हो, पार्टनरशिप डीड किस एक्ट के थ्रू हम बनाते हैं, आप लोग याद रखिएगा स्टैम्प एक्ट, अभी क्वेश्चन 2023 में आपका आया था कि जो पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेशन होता है, पार्टनरशिप डीड को आप बनाते हो, उसको उसकी उसका रजिस्ट्रेशन किस एक्ट के थ्रू होता है, स्टैम्प एक्ट। ऐसे कुछ क्वेश्चन बना दिए गए आउट ऑफ द बॉक्स, एक दो क्वेश्चन आ जाता है आपके। पार्टनरशिप डीड न रहने पर क्या नियम फॉलो होता है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जब होगा पार्टनरशिप फॉर्म में तो हमें कौन से प्रोविजंस फॉलो करने होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से क्वेश्चन, वो एवरेज वाला एवरेज मंथ वाले क्वेश्चन, बिगनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, बिगनिंग ऑफ द आपका क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, मिडिल ऑफ द क्वार्टर, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपको। पास्ट एडजस्टमेंट, मैं तो बार बार भूल जाता हूं ये टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पिछले 2 साल से बड़ा पॉपुलर है पास्ट एडजस्टमेंट। कुछ गलतियां आपने कर दी अपने पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते वक्त, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना था, आप देना ही भूल गए, नहीं देना था गलती से दे दिए, तो ऐसी कुछ गलतियां, रेशियो इक्वल था आपने 3:2:1 में बांट दिया, तो उस कुछ ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक पढ़ा जाता है, और उससे एग्जाम में 23 में क्वेश्चन देखने को मिले थे। 24 में जो क्वेश्चन आया था वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट से आया था बाबू, वो आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट से आया था, ये भी टॉपिक आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई एक पार्टनर है, बचे हुए पार्टनर ने गारंटी दिया, पर्सनल गारंटी दिया या कंबाइंड गारंटी दी कि आपको साल का मिनिमम प्रॉफिट ₹2 का ही होगा, कुछ उसमें डिफिशियंसी आएगी तो हम उसे बोन करेंगे, इसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। इसको इन टॉपिक्स को, हाँ इसके अलावा PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। अगले चैप्टर की हम बात करेंगे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे क्या क्वेश्चन आता है, इससे क्वेश्चन आप सभी लोग का गुडविल का आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गुडविल। गुडविल क्या है, गुडविल के फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, हम किस किस मेथड से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, इसके अलावा इनसे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता ही बनता है। साथ साथ 2 साल से देखा जा रहा है कि ये जो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड आप यूज करते हो बाबू, इसमें कुछ तरह के एडजस्टमेंट्स आने शुरू हो गए। एडजस्टमेंट्स आने शुरू हो गए मतलब सर, क्लोजिंग स्टॉक इस साल के प्रॉफिट का ओवर, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इस साल का ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, हमने एक असेट परचेस किया लेकिन उसको गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट कर दिया, हमारे पास इस साल के प्रॉफिट में एक एबनॉर्मल लॉस भी इंक्लूड है, एक एबनॉर्मल गेन भी इंक्लूड है, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट को अफेक्ट करते हैं, वो सीधे सीधे एडजस्टमेंट देकर आपसे पूछता है कि बताइए ये किस साल के प्रॉफिट में जुड़ेगा, किस साल के प्रॉफिट से घटाया जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आपको तमाम तरह के एडजस्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उनका इफेक्ट प्रॉफिट पर कुछ नेगेटिव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है, वही सेम आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्वेश्चन पूछता है, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस को बांटने की जनरल एंट्री पूछी जाती है, और गुडविल का वैल्यूएशन, गुडविल की अकाउंटिंग पूछी जाती है कि भाई अगर गुडविल वैल्यूड है तो उस वक्त उसकी क्या अकाउंटिंग होगी, कौन सी एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर, कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ऐसे तमाम तरह की चीजें जो है वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलते हैं। इस बार इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया, उसमें से 1 क्वेश्चन सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने पर था। हर बार मैं ये पढ़ाता हूं, आपको न्यू रेशियो दे दिया गया था 3 पार्टनर का, और तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया था, उसकी हेल्प से कौन पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा पार्टनर कितना गेन कर रहा है, ये भी आपको क्या करना था, ये भी आपको निकालना था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर से जो क्वेश्चन पूछा था इस बार, एक तो रेशियो से पूछा था आपका, चेंज इन रेशियो, जो नया रेशियो निकालिए, एक गुडविल से क्वेश्चन था आपका, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और एक एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल 23 में क्वेश्चन आया था, 24 में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये लगभग सभी टॉपिक जो है थ्योरेटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, हमें सब पढ़ना है, और इससे क्वेश्चन 22, 23, 24 में आया हुआ है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में NTA ने ऐसा कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो अभी तक छुआ नहीं है, हिडन गुडविल भी छुआ है, हिडन गुडविल का क्वेश्चन भी आपके 2023 में देखने को मिला था,
तो मैं आपको हर साल का एनालिसिस करके भी बता रहा हूँ, साथ साथ आपको ये भी समझा रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सर आता है बिल्कुल, पूंजियों का समायोजन हर बार पूछता है, पूंजियों का समायोजन सर। आइए सर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे सर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। जैसा कि मैंने कहा रिटायरमेंट से बहुत नॉमिनल क्वेश्चंस देखने को बनते हैं, या तो रेशियो पर बनेंगे या तो गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर बनेंगे, या कभी कभी बनता है तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट पर बन जाता है। सर ये सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है? जैसे हम कहें कि कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो उसका जो अमाउंट होगा, जो उसका पेबल अमाउंट है, या तो आप तुरंत पे कर रहे हो, या तो आप चेक में पे कर रहे हो, या तो आप बिल में पे कर रहे हो, या तो उसका पूरा अमाउंट आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो इसकी एंट्री आपसे पूछी गई थी 2023 में। 24 में रिटायरमेंट से एक ही क्वेश्चन आया था, वो नॉर्मल क्वेश्चन था, रेशियो आपको निकालना था और गुडविल का क्वेश्चन था। ये आपको डेथ में, हाँ डेथ में आपको देखने को मिलेगा कि डेथ में आप लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो मरे हुए पार्टनर डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए सेल्स मेथड से, टाइम बेसिस पे, सेल्स बेसिस पर। इसके अलावा गुडविल बताइए कि डिसीज पार्टनर का गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे गए थे आपके, गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछी गई थी, इसके साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन 2022 और 23 में आया हुआ है। तो मोटा मोटा हम कहें तो आपके लिए डेथ जो है वो रिटायरमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, इसमें आपको हर कुछ पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको यहाँ तक मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी पढ़ना पड़ेगा। सर ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट क्या होता है बाबू? मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब होता है कि सर डिसोल्यूशन की डेट पे कभी कभी आपको कुछ असेट्स की वैल्यू नहीं दी होती, लायबिलिटी की वैल्यू दी होती है, कैपिटल की वैल्यू दी होती है, इसकी हेल्प से आपको असेट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, उसी बैलेंस शीट को मेमोरेंडम बैलेंस शीट कहते हैं। और इस बैलेंस शीट की हेल्प से क्या करना होगा, आपको फर्दर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इसके अलावा सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन जो है वो मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन है कि विघटन किन किन कारणों से होता है, किन किन वजहों से हमें फर्म को भंग करना है, फर्म का विघटन करना है। जैसे कहें कंपल्सरी डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन बाय हैपनिंग ऑफ कंटिंजेंसीज, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, ये सारे मोड्स जो है वो 22, 23, 24 में लगातार पूछे गए हैं आपसे। इसके अलावा अकाउंटिंग तो आपको पढ़ना ही है, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे होता है। एक क्वेश्चन जो हर बार यहां से पूछा गया है सीक्वेंस में, तो बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है आपका कि बताइए कि असेट को बेचने के बाद लायबिलिटी का पेमेंट आप किस सीक्वेंस में करते हैं। आपसे ये क्वेश्चन जो है वो लगातार 22, 23, 24 हर बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, देखिए हमारा दूसरा यूनिट आ गया है कंपनी अकाउंट। हम यहाँ कंपनीज पढ़ाते हैं, पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, हम दूसरी किताब कंपनीज पे आते हैं। इसमें 3 चैप्टर कंस्टिट्यूट है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल है, जैसा कि आपको पता है। डिबेंचर सेकंड इंपॉर्टेंट है, रिडेम्पशन से एक का दुक्का क्वेश्चन 23 में आया था, 24 में देखने को नहीं मिला आपको, 24 में शायद एक क्वेश्चन, हाँ 24 में एक क्वेश्चन इसका था। लीजिए सर ये इसका एनालिसिस मैंने किया है, आप देख सकते हैं कि आपका शेयर क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑन एवरेज 6 क्वेश्चन अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से, ऑन एवरेज 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये 6 क्वेश्चन कैसे, देखिए 8, 7, 5, 8, 6, 7, इस बार 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये 7ों क्वेश्चन किस किस टॉपिक से, एक टॉपिक, ये 7 क्वेश्चन में आपका एक था आपका नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि बताइए कि ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल को आप अरेंज कीजिए सीक्वेंस में, कैसे आप बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट में इसको दिखाते हैं। इसके अलावा आपसे फोरफीचर का एक क्वेश्चन पूछा था, इसके अलावा ओवर सब्सक्रिप्शन का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसके अलावा आपसे पूछा था कि बताइए कॉल्स इन एडवांस मांगने के लिए किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का बनाना जरूरी है कंपनी को, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को। इसके अलावा पूछा था कि इंटरेस्ट किस रेट पर आप पे करेंगे, अगर आपने बहुत दिन तक अधिक रख लिया तो कितने दिन के अंदर आपको उस पैसे को वापस करना है, अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो उस केस में उसका आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये 7 क्वेश्चन जो थे वो प्रैक्टिकल भी थे इसमें शामिल, आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी शामिल थे। डिबेंचर्स की बात करेंगे, ऑन एवरेज आपको दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछता है डिबेंचर से, तो क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा वो पूछता है परचेज कंसिडरेशन वाला, कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा आपसे पूछता है नॉर्मली कि डिबेंचर्स को इशू कर दिया गया प्रीमियम पर, रिडीम किया गया है प्रीमियम पर, तो बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, सब चीज़ें पूछता है। रिडेम्पशन जो क्वेश्चन पूछता है बाबू वो DRR DRI से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए DRR का पैसा हम लोग रिडेम्पशन के बाद कहाँ ट्रांसफर करते हैं, DRR
किस रिजर्व से बना सकते हैं, DRR कब बनाते हैं, DRR DRI बनाने का सीक्वेंस बताइए आप लोग, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। हम बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, पूरा 12th है आपका, इशू ऑफ शेयर से लेकर पार पर इशू करिए, प्रीमियम पर इशू करिए, आप नॉर्मली लमसम में पैसा मांग सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में मांग सकते हैं, उसके बाद कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, उसके बाद फोर फीचर, री इशू, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रोराटा अलॉटमेंट, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, उसके अलावा आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो जो टॉपिक मैंने बोला है ये सारे टॉपिक सब पढ़ चुके हैं, वही सेम टॉपिक आप सभी लोग को इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है। डिबेंचर्स की मैं बात करूंगा, डिबेंचर्स में डिबेंचर्स नॉर्मली इशू कैसे होते हैं, टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर, ये जो आप देख रहे हैं कि डिबेंचर्स को पार पे इशू किया गया, प्रीमियम पर इशू किया गया, डिस्काउंट पर इशू किया गया, और इनका रिडेम्पशन भी कुछ साल के बाद प्रीमियम पर या पार पर हो रहा है, तो इसकी क्या एंट्री होगी, इसका इफेक्ट इशू पर क्या होगा, इसका इफेक्ट रिडेम्पशन पर क्या होगा, इसके अलावा कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके अलावा कोलेट्रल सिक्योरिटी, डिबेंचर्स को अगर आपने कोलेट्रल सिक्योरिटी के रूप में इशू किया है तो उसका आपको प्रेजेंटेशन बताना पड़ेगा कि बैलेंस शीट में कैसे आप उसे प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा कोलेट्रल सिक्योरिटी के अलावा टर्म्स ऑफ इशू मैंने बता ही दिया आपको, ये सारे टॉपिक जो है वो आपको इशू ऑफ डिबेंचर में पढ़ने होंगे। रिडम्पशन की बात करेंगे, आपके पूरे सिलेबस में सिर्फ यही बोला है कि डिबेंचर्स का रिडम्पशन किन किन मेथड से हो सकता है और उन मेथड्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है। जैसे लमसम पे इशू करेंगे आप, लमसम पे आप रिडीम कर रहे हैं, ड्रॉ ऑफ लॉट्स में आप रिडीम कर रहे हैं, कन्वर्जन में रिडीम कर रहे हैं, ओपन मार्केट से अपने ही डिबेंचर को आप परचेज कर ले रहे हैं, तो इन सब का सिर्फ आपको अकाउंटिंग जो है वो नॉर्मली पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे, हमारा तीसरा यूनिट आ जाएगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये यूनिट जो है, ये यूनिट से हम मोटा मोटा अगर कहेंगे तो आपको 10 क्वेश्चन हर बार देखने को मिलेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन पर्टिकुलरली इस यूनिट से आता है, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो लास्ट के दो चैप्टर है, अकाउंटिंग रेशियो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको देखेंगे, आपको खुद ही दिखेगा कि 23, 24, 22 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, कितने कितने क्वेश्चन चैप्टर से पूछे गए। पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, आपको नॉर्मली देखना है कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसे बनता है, कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ पीएल कैसे बनता है, उसके बाद उसके अंदर जो जो पर्टिकुलर जो जो हेडिंग और सब हेडिंग के नाम हमने लिखे हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जाती हैं, कौन उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में पढ़ना है। फाइनेंशियल एनालिसिस में आपको पढ़ना है कि फाइनेंशियल एनालिसिस क्या होता है, क्यों करते हैं फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमने प्रिपेयर किया है उसका एनालिसिस करने के पीछे कारण क्या है, ये सब सारी चीज़ें फाइनेंशियल एनालिसिस में पढ़ना है। अब इस फाइनेंशियल एनालिसिस को करने के लिए तमाम तरह के टेक्निक्स और टूल्स हैं आपके पास, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, आपके अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन सब टूल्स का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग, कैसे करते हैं, ये टूल में पढ़ना है आपको। पर्टिकुलरली आपको कंपेरेटिव और कॉमन साइज जो है वो इस मेनली टूल वाले चैप्टर में पढ़ना है। अकाउंटिंग रेशियो अलग से है, जिसमें आप लोग लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनके अंदर तमाम तरह के रेशियोज आएंगे, उनका क्रिटिकल पॉइंट, वो कब फेवरेबल होंगे, कब अनफेवरेबल होंगे, या सबसे अधिक पूछे जाने वाला टॉपिक अकाउंटिंग रेशियो से आया है कि आपको एक ट्रांजेक्शन दे देगा और आपसे बोलेगा बताइए कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से इस फला फला रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये 23 और 22 में बहुत ज़्यादा पूछा गया, 24 में तो नहीं देखने को मिला, लेकिन 22-23 में बहुत भरे क्वेश्चन आए थे कि भाई अगर कोई ट्रांजेक्शन है, जैसे हम कहें कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स फॉर 20,000, इसका इफेक्ट हमारे क्विक रेशियो पर क्या पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन, क्विक रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसमें पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रोफार्मा आपको याद रहना चाहिए, सीक्वेंस याद रहना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लाइन से कैलकुलेट होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, फिर उसके बाद आपका टैक्स पेड करके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सीक्वेंस में इस प्रकार से पूरा आपको प्रोफार्मा जो है वो याद होना चाहिए। इसमें न्यूमेरिकल और थ्योरिकल दोनों से क्वेश्चन आए हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से देखेंगे ऑन एवरेज 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एनालिसिस से लगभग 1 क्वेश्चन, एनालिसिस और टूल ऑफ एनालिसिस से लगभग 1-2 क्वेश्चन कभी मिल गए तो मिल गए। इस बार एनालिसिस से 1 क्वेश्चन आया था, वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का दूसरा नाम आपसे पूछा था,
कंपेरेटिव स्टेटमेंट का दूसरा नाम आपसे पूछा था वो आया था, उसके अकाउंटिंग रेशियो को देखेंगे। अब देखिए अकाउंटिंग रेशियो को आप मिलाकर अगर बात करेंगे तो अकेले ये लोग 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। इस बार देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो से लगभग 9 क्वेश्चन मिलाकर आए थे। हर बार आप देखेंगे तो 10 9 8 11 ऐसे ऐसे आपके मिलेंगे, ऑन एवरेज 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन हर बार इन दोनों चैप्टर को मिला के जो है वो बनता है। इसीलिए आपको ये दोनों चैप्टर जो है वो बहुत कंठस्थ होना चाहिए, अच्छे से तैयार होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यही सारी चीज़ जो मैंने आपको बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई। देखिए सारे रेशियोज़ के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, टर्नओवर रेशियो में क्या क्या पढ़ना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या क्या पढ़ना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या पढ़ना है आपको, उसका प्रोफार्मा देखना है। फिर हमारा लास्ट यूनिट आता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में देखिए 4 चैप्टर्स, ये ओवरव्यू, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का यूज, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, स्प्रेडशीट, ये चारों चैप्टर को मिला के हमने एक नॉर्मल एनालिसिस किया है आपके सामने कि कितने कितने क्वेश्चन आए। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन हर बार 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के आपसे पूछे गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा भी, कुछ क्वेश्चन लाया भी हूँ सब हर चैप्टर का मिलाकर आपको दिखाने के लिए कि एनटीए कैस किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है। अभी वही दिखाएंगे कि किस किस पैटर्न के क्वेश्चन आ चुके। तो लगभग आपको 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में पढ़ना है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें कितने इसके फीचर्स क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अलावा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ना है आप लोग को, कॉडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ना है आप लोग को, कैसे कोड अलॉट करते हैं हम लोगों को, ठीक है, हायरार्की ऑफ अकाउंट्स पढ़ना है इसमें। इसमें आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम पढ़ना है, कितने प्रकार के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, कितने प्रकार के सब सिस्टम होते हैं, जैसे ट्रेड रिसीवेबल सब सिस्टम, ट्रेड पेबल सब सिस्टम, ऐसे प्रकार के अलग अलग सिस्टम्स बनाए गए। आगे बढ़ेंगे हम लोग, DBMS आपसे पूछेगा कि सर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, क्वेरीज फॉर्म। हालांकि 2024 में इनसे कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चन नहीं आया है, हाँ इसके एक आध दो अंदर के फंक्शन की आपसे पूछा, जैसे ज्वाइन की का फंक्शन की बताइए, ज्वाइंट की का फंक्शन की बताइए, ठीक है, टैब और अल्ट से क्या होता है, टैब अल्ट प्लस F1 से क्या होता है, ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस नॉर्मली आपसे पूछे जाते हैं इसे फंक्शन कीज वगैरह से। स्प्रेडशीट में नॉर्मली एक्सेल पे आप कैसे कैसे टेबल्स क्रिएट करते हैं, एक्सेल पे कौन कौन से फंक्शन कीज होते हैं, ये सब चीज़ें आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में पढ़ना है। देखिए अब मैं आपके सामने ये लाया हूँ, ये क्या है सर, ये आपको देखने को मिलेगा कि भाई इसको एक मिनट थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चों को दिखेगा नहीं, ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ सर दिख रहा है। अगर आप यहाँ चीज़ देखेंगे बाबू तो आप ये देखेंगे कि कैसे किस क्वेश्चन पैटर्न क्या है हमारा, क्वेश्चन पैटर्न स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी है, मैच द फॉलोइंग है, न्यूमेरिकल है, मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन है, वन लाइनर। मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूँ, एनटीए जो नया पैटर्न का क्वेश्चन लाया है वो ये है। हालांकि 23 में ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया था लेकिन कम क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, 24 में हर सब्जेक्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए मल्टीपल ऑप्शन वाले, आपको 5 से 6 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इसमें से कौन कौन सा सही ऑप्शन है, ABC, BCD, AED, BED, ऐसे करके आप लोग को अलग अलग 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मल्टीपल आंसर्स उसके उस टॉपिक के होंगे। ये सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन जो आपका पूछ लेगा। असर्शन रीजन इस बार देखने को नहीं मिला है अकाउंट्स में, हाँ आपके स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा देखने को मिला है। केस स्टडी क्वेश्चन हर बार 10 क्वेश्चन का पैटर्न रहा है आप लोग का, देखिए 23 से लेकर 24 में कोई 2 सब्जेक्ट चैप्टर से, जैसे इस बार अकाउंटिंग रेशियो से 5 क्वेश्चन थे और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से 5 क्वेश्चन थे, तो 2 केस स्टडी आपको अकाउंट का देखने को मिला था। इसके अलावा आपको मैच द फॉलोइंग 5 के थे, जिसमें पार्टनरशिप के 3 मैच द कॉलम थे, 2 आपके फाइनेंशियल स्टेट, 1 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का और 1 को आपका शेयर का मैच द कॉलम देखने को था। उसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुल मिला के हर चैप्टर के थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के आपके न्यूमेरिकल जो है वो 12 क्वेश्चन थे, मल्टीपल ऑप्शन वाले 6 क्वेश्चन थे। देखिए तादाद बढ़ रही है इसकी, इसका रेशियो जो है वो हर साल बढ़ रहा है, इस बार 6 हो गए, पिछले बार अधिक से अधिक 5 आया था, इस बार 6 हो गए, तो आगे भी चांसेस हैं कि मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो है बढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन जो है, जो सिंगल लाइन के क्वेश्चन आपको देने पड़ते हैं, 14 क्वेश्चन आए थे, जिसके अंदर मैंने लिखा है 3 से 4 क्वेश्चन सीक्वेंस बेस्ड थे, 3 से 4 क्वेश्चन सीक्वेंस बेस्ड थे। इन सीक्वेंस बेस्ड में 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, 1 आपका नॉर्मली
नहीं, तीन कैश फ्लो स्टेटमेंट था और एक शेयर का क्वेश्चन था सीक्वेंस बेस्ड, चार सीक्वेंस बेस्ड थे जिसमें तीन शेयर, एक शेयर का क्वेश्चन था, तीन कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन थे आपके। ये आपका पूरा क्वेश्चन का पैटर्न जो CUET 2023 और 24 में आया। अब देखिए आपको ये दिख रहा होगा, मुझे लगता है, जी मुझे लगता है कि आपको ये एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ये 23 और 24 से क्वेश्चंस है जो मैं आपके लाया हूँ। ये देखिए आपके लिए एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन, कैसे NTA जो है वो लिस्ट वन लिस्ट टू करके देखता है और आपको ये मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। फिर देखिए एक क्वेश्चन आपका आया, देखिए आया ये मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो है वो आपको दिखा गया, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से नियम फॉलो होते हैं। इधर आगे देखिए ये भी देखिए एक मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है जहां पर आपको एक से अधिक क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ये देखिए सीक्वेंस बेस्ड वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जी सर ये सीक्वेंस बेस्ड वाला क्वेश्चन है, ये भी एक सीक्वेंस बेस्ड वाला क्वेश्चन है जो 2023 से क्वेश्चन है, 24 भी नीचे रखा है मैंने, ये आपके 23 के क्वेश्चन है सीक्वेंस बेस्ड वाले। इसके अलावा देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो ठो आ गए, एक क्वेश्चन इसमें दोनों, एक NPO का क्वेश्चन है, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन है आपका। नॉर्मली आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखिए ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे देखिए तो ये आपका डिबेंचर और डिबेंचर से क्वेश्चन है, दोनों थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल एक प्रैक्टिकल है, हालांकि ये भी थ्योरेटिकली क्वेश्चन है लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको आंसर देना है। तो ये देखिए दो प्रैक्टिकल और यहाँ पर डिबेंचर के क्वेश्चन आ गए नॉर्मली। ये देखिए ये भी एक प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, ये आपको दिख रहा होगा, मुझे लगता है थोड़ा सा आप लोग को ये दिख रहा होगा, मैं एक मिनट में देख लूँ। हाँ सर मुझे हल्का हल्का दिख रहा है, देखिए सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको कि आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, ऑथराइज शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पेड अप कॉल्ड अप, ऐसे इसको आपको अरेंज करने वाला क्वेश्चन जो है वो शेयर वाला दिख रहा है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये भी एक आपका मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, 2024 का स्लॉट है ये, जो आपको 17 मई 2024 को हुआ है पेपर अकाउंट्स का, उसका ये क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है कि बताइए कि डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर होती हैं। ये आपको देखिए एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर, वहीं से इसका स्क्रीनशॉट लिया, मैं चाहता तो इसका आप लोग को इसको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करा के आपको सीधा क्वेश्चन देता, लेकिन मेरा ये मंतव्य है कि भाई आप क्वेश्चन देखिए, थोड़ा फील आता है कि हाँ भाई कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने, सीधा पेपर से कट करके लगाया गया है इसको। आगे बढ़ेंगे तो आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन्वॉल्व्ड इन द कैलकुलेटिंग, ये देखिए सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा आपका, ये आपको अरेंज करना है, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद आप देखेंगे तो ये देखिए ये भी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का सीक्वेंस आ गया कि पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, फिर कौन सी एक्टिविटी होगी, फिर क्या कैलकुलेट होगा, ये आपको सीक्वेंस वाला क्वेश्चन, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन काफी आए हैं। देखिए ये मल्टीपल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ये मैं वही कह रहा था कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट में तमाम तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, देखिए लिखा है ना कि एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारा ओवर वैल्यू हो गया तो बताइए कि इसका इफेक्ट प्रॉफिट पर क्या पड़ेगा, उस साल के प्रॉफिट में जोड़ेंगे घटाएंगे क्या करेंगे। तो मल्टीपल ऑप्शन के फॉर्म में ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया, नॉर्मल ओवर सब्सक्रिप्शन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वन लाइनर वाले क्वेश्चन आपके हैं। ये आपके पूरे क्वेश्चन किसके थे, ये आपके पूरी बात हमने कर ली है अकाउंटेंसी के सिलेबस और अकाउंटेंसी के क्वेश्चन पैटर्न स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी हमारी क्या होने वाली है सर, स्ट्रैटेजी हमारी बड़ी क्लियर है, हमें सब पढ़ना है और साथ ही साथ हमें उन टॉपिकों पर सबसे अधिक ध्यान देना है जहां से सबसे अधिक क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे हम कहें NPO, फंडामेंटल, एडमिशन, डिसोल्यूशन, शेयर, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन चैप्टर को अगर आप पढ़ते हो तो 70-75% आप पेपर आराम से कर लोगे, इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चन। अब देखिए आपके पास स्ट्रैटेजी जो है वो स्ट्रैटेजी यहीं छुपी है, ये स्ट्रैटेजी, इसको कोई बताता नहीं है, 50 में 40 क्वेश्चन करना है तो हमारे पास 10 क्वेश्चन का लूपहोल है, 10 क्वेश्चन का क्या है, 10 क्वेश्चन का एक चैनल हमारे पास है, 10 क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। अब वो 10 क्वेश्चन कैसे होंगे आप पहले डिटरमाइन नहीं करेंगे, आप पढ़ के सब जाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले हम अगर डिबेंचर पढ़ेंगे नहीं, डिबेंचर क्वेश्चन उठाएंगे नहीं, अब पता चला एग्जाम में डिबेंचर का एकदम हलवा क्वेश्चन आ गया और आपने पहले पढ़ाई नहीं था उसको तो कर ही नहीं पाओगे, आपको पढ़ना सब है, इसका डिसीजन जो है वो एग्जाम सेंटर पे आप करेंगे, एग्जाम हॉल में करेंगे आप कि हाँ भाई एग्जाम क्वेश्चन देख के कि हाँ ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, हम भले इसको पढ़े हैं लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन छोड़ सकते हैं, इस 10 क्वेश्चन को छोड़ने की कला जो है वही आपको इस अकाउंटेंसी के पेपर में अच्छा मार्क्स लाती है।
आप क्वेश्चन कैसे कैसे चूज कर रहे हो, 40 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे जिस पर आपको सबसे अधिक कॉन्फिडेंस होगा। दूसरी चीज, न्यूमेरिकल पर आप अधिक फोकस करेंगे। इस बार मैं 2024 का समासार आपको दे देता हूँ कि ओवरऑल में बात करूँ तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है वो अधिक आए थे इस बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार होगा। बहुत बार देखा गया है कि बच्चे थ्योरी पढ़ के गए हैं लेकिन प्रैक्टिकल दे दिया गया है, तो हम प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों के ब्लेंड को समझते हुए चलेंगे और अपनी तैयारी को बेस्ट करेंगे। क्लासेस जो हैं वो आपको पता है जल्दी शुरू हो जाएंगी मालवीय एकेडमी पर, ठीक, और फर्दर इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे मिल जाएगा आप लोग को। अगली बार हम जब मिलेंगे तो क्लास के साथ मिलेंगे, तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, तैयारी अच्छी कीजिए और कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है और आपको उसकी उसका सोल्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।